सभी का स्वागत है। आज हम लोग आपको जो प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, इस प्रोजेक्ट का जो लोकेशन है वो लोढ़ा पलावा सिटी में पूरा लोकेटेड है। तो लोढ़ा पलावा सिटी में यह अभी हमारा न्यू लॉन्च आ रहा है जिसका नाम है कासा ओलिविया। तो ये सारा एक्सक्लूसिव 3 BHK का पूरा इन्वेंट्री आप पीछे देख सकते हो, टावर पूरा रेडी है। तो इमीडिएट पोजीशन भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप इस लोढ़ा पलावा सिटी में अगर आप आते हो तो यहाँ का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे आपको अराउंड 35 लाख से 1 BHK जो स्टार्ट होते हैं तो आपको लग्जरी प्रोजेक्ट भी अवेलेबल है। आपको मिनिमम बजट से यहाँ पे फ्लैट चालू हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, पेंट हाउस, डुप्लेक्स पेंट हाउस या फिर जो यहाँ का सबसे प्रीमियम जो लग्जरी प्रोजेक्ट है लोढ़ा विरार रॉयल, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो सारे आपके ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और यहाँ का आप डेवलपमेंट देख सकते हो, अभी हम लोग जो खड़े हैं ये लोढ़ा का इंटरनल रोड्स है। तो यहाँ का आप डेवलपमेंट देख सकते हो, काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट लोढ़ा यहाँ पे कर रहा है। आप बिल्कुल राइट साइड में देख सकते हो सारा अभी टाउनशिप ही है, ऑलमोस्ट 80% पूरा टाउनशिप रेडी हो चुका है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो या फिर आप मेरे बैक साइड में भी देख सकते हो, यहाँ के जो सबसे प्रीमियम टावर है लोढ़ा सीनेरिटी टावर, वो भी वहाँ पे अभी काम स्टार्ट हो गया है। तो आप देख सकते हो, तो ये पूरा टाउनशिप अभी रेडी हो चुका है। अगर मैं अभी इस कासा ओलिविया के बारे में बताऊँ तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि रेडी टू मूव टावर है। तो यहाँ पे 3 BHK फ्लैट अभी अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप मेरे बैक साइड में देख सकते हो ये G+12 का टावर है, ऑलमोस्ट रेडी है। इमीडिएट आप यहाँ पे आ सकते हो, परचेस कर सकते हो। 3 BHK फ्लैट यहाँ पे आपको अवेलेबल है। अभी इस टावर के मैं आपको USPs के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे ये एक्सक्लूसिव 3 BHK का टावर है। यहाँ पे आप अगर आप फ्रंट साइड में देखोगे तो फ्रंट साइड में पूरा लेक व्यू है। तो दो लेक इस पूरे टावर के सामने है, तो व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है। इसी के सामने लोढ़ा विरा रॉयल का ये पूरा व्यू है। तो यहाँ पे जो बंगलोज है उसकी वजह से आपको कभी भी आपको सामने कुछ भी नहीं आएगा, तो पूरा ओपन व्यू आपको रहने वाला है। प्लस यहाँ पे आप बिल्डिंग देख सकते हो, तीनों चारों साइड से पूरा ओपन बिल्डिंग है। तो 360 व्यू पूरा ओपन है। तो पूरे टावर को आपको वेंटिलेशन अच्छा रहेगा, हमेशा आपको एयर वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। फिर यहाँ पे आपको हर फ्लैट में आपको डेक अवेलेबल है, तो जो बैल्कनी का ऑप्शन वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये इस प्रोजेक्ट का USP है। तो अभी मैं आपको इस प्रोजेक्ट के कनेक्टिविटी के बारे में बताता हूँ। यहाँ से आपको जो मेन डोंबिवली स्टेशन है वो 15 मिनट के ड्राइव डिस्टेंस पर है। यहाँ से अभी जो न्यू जुपिटर हॉस्पिटल आ रहा है वो आपको अराउंड 5 मिनट के आपको ड्राइव डिस्टेंस पर है। यहाँ पे जो हमारा लोढ़ा का कमर्शियल अभी जो बन रहा है वो भी आपको 5 मिनट के ड्राइव डिस्टेंस पर है। यहाँ से स्कूल कॉलेज जो भी है ये सारे टाउनशिप के अंदर है, तो आपको सारी चीज़ें प्रोजेक्ट के अंदर मिलने वाली है। और प्लस यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा रेडी हो चुका है। यहाँ पे ग्रोसरी शॉप्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट के नियर बाय आपको मिलने वाली है। तो ये इस प्रोजेक्ट का कनेक्टिविटी है। तो अभी मैं आपको हमारा जो इस 3 BHK का जो हमारा एक्चुअल सैंपल फ्लैट है वो मैं आपको सैंपल फ्लैट अभी शो करता हूँ, आइए। ये हमारे इस प्रोजेक्ट का एक्चुअल लॉबी एरिया है। आप देख सकते हो एक फ्लोर पे टोटल 4 फ्लैट है। आप मेरे बैक साइड में 2 फ्लैट देख सकते हो, वहाँ पे आपके बैक साइड में 2 फ्लैट है। 2 लिफ्ट है, आप बिल्कुल राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में 2 लिफ्ट है और यहाँ पे 2 स्टेयरकेस दिए हुए हैं। तो अभी मैं आपको हमारा जो एक्चुअल 3 BHK फ्लैट है वो आपको 3 BHK फ्लैट शो करता हूँ। इसका जो कारपेट एरिया है वो 934 का कारपेट है। तो आइए, आप जैसे ही फ्लैट में एंटर करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में किचन एरिया है, मैं आपको किचन शो कर दूँ, आइए। तो ये हमारा 3 BHK का किचन एरिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे डबल प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, काफ़ी वाइड प्लेटफॉर्म है। एज इट इज़ आप किचन मॉड्यूलर किचन कर सकते हो। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो फ्रीज का एरिया है। आप मेरे बैक साइड में देखोगे तो फुल हाइटेड विंडो है और यहाँ पे आपको एक्चुअल प्रॉपर ड्राई बालकनी का स्पेस दिया हुआ है, मैं आपको शो कर दूँ, आइए। तो ये यहाँ का ड्राई बालकनी का स्पेस है, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी वॉशिंग मशीन रख के आपको स्पेस कितना मिल रहा है आप देख सकते हो। यहाँ पर एज इट इज़ आप आपका स्टोरेज का एक्स्ट्रा स्पेस कर सकते हो और यहाँ से भी आप व्यू देख सकते हो, काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ से आपको मिल रहा है। तो अभी मैं आपको हमारा जो लिविंग रूम है वो शो कर दूँ, आइए। तो ये
ये हमारे 3 BHK फ्लैट का लिविंग रूम है। यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो, आपको सोफा सेट का आपको एरिया दिया हुआ है। यहाँ पे आप एज इट इज सोफा सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपका टीवी यूनिट का प्रोविजन हो सकता है। आप मेरे यहाँ पर भी अगर बैक साइड में देखोगे तो फुल हाइटेड विंडो आपको मिल रहा है, और उसी के बाहर आपको एक बड़ा डेक एरिया दिया हुआ है। तो मैं आपको डेक शो करता हूँ, आइए। तो ये यहाँ का डेक का स्पेस है, आप देख सकते हो प्रॉपर आपको ह्यूज डेक यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ से आप व्यू देखोगे तो काफ़ी अच्छा व्यू आपको मिलने वाला है। जो लेक व्यू है मैं आपको नीचे ही आपको बताया, यहाँ पे आपको पूरा ओपन लेक व्यू मिलने वाला है। इसी के साइड में जो हमारा लोडा विला रॉयल का जो सेगमेंट है, जो प्रीमियम सेगमेंट है, वो आप देख सकते हो बिल्कुल साइड में, उसके लोडा विला रॉयल का सेगमेंट है। तो ये यहाँ का पूरा व्यू है। यहाँ पर आप स्पेस देख सकते हो, 5 से 6 लोग आराम से यहाँ पर आप बैठ सकते हो और आप रिलैक्स कर सकते हो। तो अभी मैं आपको हमारा जो डाइनिंग स्पेस है वो शो कर दूं, आइए। आप यहीं पर अगर राइट हैंड साइड में देखोगे तो ये आपका डाइनिंग का स्पेस है। काफी अच्छा आपको डाइनिंग स्पेस भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो अभी मैं आपको हमारा जो कॉमन बेडरूम है वो शो करता हूँ, आइए। तो ये हमारा फर्स्ट कॉमन बेडरूम है, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक्चुअल बेड डाल के स्पेस कितना मिल रहा है वो आपको शो किया गया है। ये आपका बेड का एरिया है, सामने आप टीवी यूनिट कर सकते हो। आपको एक एक्स्ट्रा वार्डरोब के लिए स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे आपका वार्डरोब स्पेस है। तो यहाँ पर भी आप अगर मेरे बैक साइड में देखोगे तो आपको फुल विंडो है, तो फुल विंडो की वजह से आपको पूरा ओपन व्यू आप यहाँ से आपको दिखने वाला है। तो ये हमारा पूरा कॉमन बेडरूम है, अभी मैं आपको कॉमन वॉशरूम शो करता हूँ, आइए। तो बिल्कुल कॉमन बेडरूम के सामने हमारा जो कॉमन वॉशरूम है, तो आप एक बार कॉमन वॉशरूम देख लीजिए। कॉमन बेडरूम आपने देख लिया, अभी मैं आपको हमारा जो दो मास्टर बेडरूम है वो आपको दो मास्टर बेडरूम आपको शो करता हूं, आइए। तो ये आपका फर्स्ट मास्टर बेडरूम है, आप देख सकते हो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल रहा है। ये आपका बेड का एरिया है, यहाँ पर भी आपको बैक साइड में देखो फुल हाइटेड विंडो दिया हुआ है। तो यहाँ से भी आपको पूरा लेक व्यू, ओपन लेक व्यू यहाँ से आपको मिलने वाला है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में आपका टीवी यूनिट का प्रोविजन यहाँ पे कर सकते हो। यहीं पर आपको एक वार्डरोब का एक्स्ट्रा स्पेस दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका वार्डरोब आ जाएगा। तो उसी के सामने हमारा मास्टर वॉशरूम है, तो मास्टर वॉशरूम आप एक बार देख लीजिए। तो ये हमारा फर्स्ट मास्टर बेडरूम था, अभी मैं आपको हमारा जो सेकंड मास्टर बेडरूम है वो शो करता हूँ, आइए। तो ये हमारा सेकंड मास्टर बेडरूम है, यहाँ पे आपको एंट्री में ही आपको मास्टर वॉशरूम दिया हुआ है। तो आप एक बार मास्टर वॉशरूम आप देख लीजिए। तो ये हमारा मास्टर वॉशरूम था, अभी मैं आपको हमारा मास्टर बेडरूम पूरा शो करता हूँ, आइए। तो ये हमारा सेकेंड मास्टर बेडरूम है, आप देख सकते हो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल रहा है। यहाँ पर भी आप बैक साइड में देखोगे तो फुल हाइटेड विंडो आपको प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ से आपको व्यू, काफ़ी अच्छा व्यू आपको मिलने वाला है। तो आपको तीनों साइड से आपको पूरा ओपन व्यू आपको मिलने वाला है। तो एयर वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा होने वाला है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो एक्स्ट्रा स्पेस आपको वार्डरोब के लिए दिया हुआ है, तो ये आपका वार्डरोब स्पेस है। तो ये हमारा पूरा मास्टर बेडरूम था। तो यहाँ पर अभी हमारा पूरा फ्लैट का 3 BHK का वॉक थ्रू हो चुका है, अभी मैं आपको हमारा जो एमिनिटीज पार्ट है वो आपको बताता हूँ, आइए।
तो अगर आप यहाँ पे लोडा पलावा सिटी में आप अगर एमिनिटीज के बारे में बात करोगे तो आपको दो बड़े ग्रैंड क्लब हाउस आपको दिए हुए हैं, एक ओलंपिक लेवल का क्लब हाउस भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो इस क्लब हाउस में आपको ऑलमोस्ट सारी एमिनिटीज आपको मिल रहे हैं, इंडोर गेम्स है, आपको मूवी थिएटर दिया हुआ है, एक 50 एकर्स का आपको एक बड़ा गार्डन भी दिया हुआ है जो कि रेडी आप आके देख सकते हो, सारे मल्टीपर्पज आपको सारे हॉल है, सारे स्पोर्ट्स के आपको एक्टिविटी यहाँ पे करने के लिए मिल जाएंगे। तो ये इस प्रोजेक्ट का पूरा एमिनिटीज का पार्ट है। तो यहाँ पे हमारा जो 3 BHK का प्राइसिंग है ये स्टार्ट हो रहा है 1.05 CR से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, अगर आपको लेक व्यू में लेना हो तो यहाँ पे थोड़ा प्राइसिंग आपका बढ़ने वाला है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस प्रोजेक्ट में विजिट करना हो तो हमारा फ्री पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस भी अवेलेबल है, तो आप इस सर्विस के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस फ्लैट के बारे में या फिर इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।